हाय फ्रेंड्स, आज आपको हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बता रहे हैं और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज और बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे आपको उसकी कटिंग। जो हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं वो 32 की साइज़ के हिसाब से बना रहे हैं। इसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। पहले हम इसके बैक पार्ट फ्रंट पर्दे को कटिंग करेंगे और बैक पर्दे को बाद में कट करेंगे। इसके लिए कपड़े को आप इस तरीके से बिछा लीजिए और देखिए जितनी भी आपके ब्लाउज की लंबाई हो तो उससे आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से मैं 17 इंच ले रही हूँ, हमारा 14 इंच तैयार रहेगा। इसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। देखिए प्रिंसेस कट में हमेशा एक्स्ट्रा लेकर ही चलते हैं। जैसे आपका 15 इंच तैयार है तो आप इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। हमारा 14 तैयार है तो इसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ से तीरा, जैसे हमारे 14 तीरा है तो इसमें हम 7 इंच पर निशान लगा रहे हैं और इसको यहाँ से इस तरीके से और इसमें मुड्डी भी हम, क्योंकि इसे बॉट नेक में बना रहे हैं हम, तो यहाँ से हम इसके मुड्डे भी सेम लेंगे 7 इंच की। अगर आपको बॉट नेक में नहीं बनाना तो आप 6 या 6.5 ले सकती। तो मैं यहाँ से 7 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसे बॉट नेक में बनाना है। और जैसे कि हम हमारे ब्रेस है 32 इंच, तो यहाँ से 8 इंच आएगा यहाँ से, तो हमें इसमें 3 इंच ऐड करना है। तो हम यहाँ से 11 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा लेकर ही चलना है, 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेकर ही चलना है। और जब ये हमारा फ्रंट पर्दा है तो इसमें हम 1 इंच का कर देंगे और हमारा बैक होता तो इसमें हम 1.5 इंच का देते। तो हमारा ये फ्रंट है तो इसमें हमें 1 इंच की सेप देनी है। और यहाँ से हमें 10.5 इंच पर निशान लगा लें जितनी भी आपकी कमर हो। और यहाँ से मैं इसको मिला दूँगी। जो हम गले की चौड़ाई रखने वाले हैं वो 3 इंच रख रहे हैं और लंबाई इसमें रखेंगे 4 इंच। और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगा के इसको इस तरीके से जो हमें इसमें गुलाई देनी है वो हम 1.5 इंच पर देंगे। और यहाँ से हमें 1 इंच पर देनी है। देखिए इस तरीके से पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर हम प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे इस पर कटिंग करने के बाद। देखिए हमने पहले इसके गले को भी कट नहीं किया है, पहले हम इसमें निशान लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर बंद की साइड से, गले की साइड से हमें इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाना है। देखिए और ऊपर लंबाई में हमें 10 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। और नीचे हमें बॉटम की साइड से 5 इंच पर निशान लगाना है और हर मूल की साइड से 6.5 पर निशान लगाना है। इस तरीके से हमें सारे पॉइंटों को मिला लेती। देखिए
इस तरीके से देखिए हमने अपने पोंटो को मिला लिया है। और यहाँ से हम 3.5 निशान लगा रहे हैं और इसको हम इस तरीके से है। हमने यहाँ से 6.5 पर निशान लगाए, यहाँ से 3 इंच पर गले की साइड से, ऊपर से हमने 10 इंच पर, और आप 11 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं अपनी साइज के हिसाब से। और यहाँ से हमने 3.5 पर निशान लगाया है और हम गले की कटिंग कर रहे हैं। हम इसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें लाइनिंग पर भी इसकी कटिंग करनी है। अभी इसकी कटिंग कर ली है, अब इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ से हमें बिल्कुल ही अलग करना है, देखिए। और यहाँ से मैं इसकी भी कटिंग कर दूँगी। देखिए कुछ हमारे इस तरीके से आए गए, और हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पर्दे के लिए निशान लगाते हैं। देखिए जो हमारे फ्रंट पर्दे की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, इसमें हम आपको डिज़ाइन डालना बताएंगे किस तरीके से प्रिंसेस कट में डिज़ाइन डालते हैं। इसलिए हमने इस गले को बॉट नेक में बनाया है। इसमें हम पट्टियाँ कट करेंगे और यहाँ पर ओरल में लगाएंगे, यहाँ पर लगानी है और यहाँ पर लगाना, तो हम आपको बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बताएंगे इसमें। तो इस देखिए हमने कपड़े को इस तरीके से रख लिया है और हमें इसमें से तिरछी पट्टी कट करनी है। तो हम इस तरीके से पट्टियाँ कट करेंगे और हमें जो कि हमें 1.5 इंच के करीब पट्टियाँ कट करनी है क्योंकि हमें इनको सिलाई लगाने के बाद सीधा करना है। तो थोड़ी हम बड़ी लेकर ही चल रहे हैं। इस तरीके से हम नाप नाप के जितनी हमें पट्टियाँ चाहिए उतनी पट्टियाँ हम ओरल में कट कर लेते हैं। इसकी लाइनिंग पर सिलाई करेंगे। देखिए लाइनिंग को हमें इस तरीके से रखना है, कपड़े पर बाद में करेंगे। और इसको हमें इस तरीके से रखना है, देखिए इस तरीके से। जो हमारी ये कटिंग है, ये हमारी देखिए आ चुकी है इधर की साइड गुलाई। तो हमें क्या करना है, उल्टे सीधे का ध्यान रखते हुए इसकी हम कटिंग कर स्टिचिंग कर लेते हैं। क्या करना है आपको, उल्टे सीधे का ध्यान रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। देखिए हमें इस तरीके से खुल के और सीधी साइड को भी सिलाई लगा देते हैं क्योंकि ये हमारी लाइनिंग है और लाइनिंग खींचने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप सीधा कर लीजिए और इसके ऊपर सीधी साइड से एक और सिलाई लगा लीजिए। ये आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड सिलाई लग चुकी है हमारी, देखिए। अब इसको हटाना है और अपने कपड़े पर देखिए ये कपड़ा हमारा सीधा है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, ताकि पलटे तो इधर से हमारी ये सीधी साइड आ जाए। तो हम यहाँ से इसके ऊपर ही सिलाई लगा रहे हैं।
सेम तरीका है जैसे हमने लाइनिंग में सिलाई लगाई थी, ऐसे ही हमें ब्लाउज में लगानी है। जिस शेप में हमने कटिंग करी है उसी शेप में आपको सिलाई लगानी है, तभी हमारी ये शेप बन के आएगी प्रिंसेस कट की। इसको आप यहाँ से सीधा कर लीजिए। आप चाहे पाइपिंग लगाना चाहें तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मैं इसमें पाइपिंग नहीं लगा रही, सिंपल ही रख रही हूँ मैं इसको। देखिए हमारी प्रिंसेस की शेप आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसके बीचों बीच में इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो पाइपिंग लगा सकते हैं, पाइपिंग से भी इसमें अच्छा लुक आएगा। मैं इसको ऐसा ही रख रही हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाइए। देखिए आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमको क्या करना है, इसको हमें सीधा रखना है। देखिए इस तरीके से ये हमारा सीधा रहेगा, ये हमारी लाइनिंग है, इसको हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से उल्टा रख लेते हैं। उल्टा रखने के बाद हमको क्या करना है, इसका गला बनाना। गले पर हमें इस तरीके से एक एक पैर की मार्जिन से सिलाई लगानी है। एक एक पैर की मार्जिन से हम इसमें सिलाई लगाते हुए चल रहे हैं। एक एक पैर के मार्जिन से और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा रहे हैं ताकि हमारी जो ये सिलाई है इसमें झूल नहीं पड़े और गले में हम इसे पलटते टाइम कोई दिक्कत नहीं आए। और इसी तरीके से देखिए हमने अपने मुड्डे पे भी यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट रहे हैं, इसको सीधा पलट लिया। आप देख सकते हैं आप चाहें तो इस लाइनिंग की आप पाइपिंग निकाल सकते हैं, पर मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि जो मैंने यहाँ पे ओरल में पट्टियाँ कट करी थी मैं उनको लगाऊंगी यहाँ पर। तो एक सिलाई लगा लेती हूँ गले पर। देखिए हमने अपने गले पर सिलाई लगा ली है और सिलाई की हमें क्या करना है, इस तरीके से हमारी सिलाई लग के तैयार है। अब हमको क्या करना है, सिलाई के बाद जो हमने ओरल में पट्टियाँ कट करी थी उन पर हमें सिलाई लगानी है। बताते हैं किस तरीके से लगानी है। हमने ओरल में पट्टी कट करी थी और हमने आपको इसकी चौड़ाई भी बता दी थी। हमको क्या करना है, इसको इस तरीके से डबल रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देना है। जिस तरीके से हम डोरी सीधी करते हैं हम उस तरीके से सिलाई लगानी, जितनी चौड़ी आप चाहें पट्टी लगाना आप उतनी चौड़ी करके आप उस पर सिलाई लगाएं। देखिए मुझे एक इंच के करीब चौड़ी चाहिए पट्टी। तो मैं इसमें एक इंच के करीब सिलाई लगा लेती हूँ और इसको सीधा कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और इस पर प्रेस भी मार लिया, आप देख सकते हैं। और ये हमारी आधे इंच के करीब, मैं आपको नाप के बता देती हूँ इसको। देखिए आधे इंच के करीब है ये। तो इसी तरीके से मैंने ये बहुत सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं।
और ये लाइन हमारी एक साइड को आनी चाहिए। आप प्रेस से इनको सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको लगाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से लगाएंगे इनको गले पर। देखिए, बिल्कुल इसकी किनारे के पास लगानी है एक वाली पट्टी जो हमने ओरल में कट की थी। इसी तरीके से एक इसके पास में लगानी है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये सिलाई हमारी इस तरीके से आनी चाहिए, और जो दूसरी हमारी पट्टी होगी वो इसके जस्ट इस तरीके से आएगी यहाँ पर। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर आएगी, और हमारी तीसरी पट्टी यहाँ पर आएगी। इस तरीके से हमें आधा इंच के गैप से हमें ये पट्टी लगानी है। देखिए, आधा आधा इंच का गैप है ये हमारी पट्टियों में। तो आप इस तरीके से आप चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो आप नाप के लगा सकते हैं इन पट्टियों को। बहुत ही जी है, और बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा डिजाइन आएगा आपके पास। तरीके से देखिए, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लगाएं धीरे धीरे, जिससे हमारे गले में फिनिशिंग आए। देखिए, हमने इस पट्टी को इस तरीके से लगाया था, उल्टी साइड से लगाया था, और सीधी साइड को हमने इस तरीके से पलट दिया है। आप देख सकते हैं, ये थोड़ी उठी हुई लग रही है, ये बाद में सेट हो जाएगी। और इसको हमें इस तरीके से लगाना है, जैसे हमने आपको बताया था, इस तरीके इसको ऊपर वाली पट्टी को दबाना नहीं है, इसके बिल्कुल पास पास हमें इस तरीके से लगाना है, ताकि ये इसके ऊपर इस तरीके से आ जाए। देखिए, इस तरीके से, फिर हम बाद में मोती लगा के इसको सेट कर देंगे। पहले हम जो हमारी अंदर की सिलाई है ये दिखे नहीं, इसी के ऊपर रखते हुए पट्टी को हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। गले पर अपनी तीनों पट्टियां लगा ली, आप देख सकते हैं, और हमने इनको प्रेस से भी सेट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर पहले हम इसको सेट नीचे से सही करेंगे, फिर यहाँ पर जिस तरीके से हमने लगाई है उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी पट्टियाँ लगानी है। बता देती हूँ किस तरीके से लगानी है। देखिए, इस तरीके से लगानी है, जिस तरीके से हमने आपको बताया था, आधा आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से। देखिए, हमने नीचे बॉटम पर सिलाई लगा ली है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ये निकल रहा है, इसकी हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से, और हमें कटिंग करने के बाद क्या करना है, जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था, देखिए इस तरीके से हमें इंच टेप से नापना है। आधा इंच हमें ऊपर सिलाई के लिए छोड़ना है, क्योंकि हमारा कपड़ा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद हमको क्या करना है कि हमें अपना ब्लाउज 14 इंच का तैयार रखना है। तो हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा के जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर फोल्ड कर देते हैं। सिलाई लगा लिए,
और हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से देखिए जो हमारी प्रिंसेस कट था जहाँ पे हमारी कटिंग है प्रिंसेस कट की, हमें यहाँ से शुरू करना है लगाना, नहीं कि हमें यहाँ से, देखिए मैं आपको बता देते हैं, ये हमारी जो लाइन है ये प्रिंसेस कट की है, इसके पास से लगाना है हमें इस तरीके से। हम देखिए प्रिंसेस कट के पास से हमें जिस तरीके से हमने आपको चौक से निशान लगा के बताया था इसी तरीके से लगाना है। इस सिलाई को हमें ऊपर रखते हुए इस तरीके से लगाएंगे इसके पास सिलाई, देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से मोड़ना है ताकि हमारे यहाँ फिनिशिंग आए। देखिए हमें इस तरीके से लगाना है, हमें दूसरी वाली को इसी के पास से लगाना है। इसको नहीं दबाना, ये हमने यहाँ पर पट्टियाँ लगा ली हैं, आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ लगी हैं। इसी तरीके से हमारे गले पे भी हम मोती लगा रहे हैं। मोती हमें क्या करना है, मोतियों को हमें एक डेढ़ डेढ़ या दो दो इंच के डिस्टेंस से लगाना है इस तरीके से, जिससे हमारे गले में अच्छा लुक आए। आप सिंपल भी रखना चाहो, सिंपल इतनी सुंदर नहीं लग रही है। देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज बिल्कुल कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर भी मोतियाँ लगा ली हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।